संगम की रेती पर चल रहे माघ मेले के दूसरे प्रमुख स्नान पर्व पौष पूर्णिमा से कल्पवास की शुरुआत हो जाती है। जीवन मृत्यु के बंधनों से मुक्ति की कामना लेकर प्रयागराज आने वाले कल्पवासी यहां से अलौकिक शक्ति समेट कर ले जाएंगे। माघ मेला तो मकर संक्रांति से ही शुरू हो चुका है, लेकिन कल्पवास की शुरुआत आज पौष पूर्णिमा के स्नान से शुरू हो गया। संगम तट के घाटों पर श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी सुबह से लगा रहे हैं। संगम पर स्नान करने आए श्रद्धालु डुबकी लगाने के बाद मां गंगा से परिवार में सुख समृद्धि की कामना के साथ आज से कल्पवास की शुरुआत करेंगे। नहाने का ये है कि सूर्य निकलने से पहले स्नान करिए, दान करिए। दान की कोई सीमा नहीं होती, जितना यथाशक्ति आपको भगवान ने दिया है उतना आप दान कर सकते हैं। और क्या कहते हैं, इसके बाद जैसे तुलसी जी की पूजा, विष्णु भगवान की पूजा घर पे जाने के बाद, आज प्रथम दिन है, पूर्णिमा है, तो आज सबसे पहले जौ बोया जाएगा, फिर उसके बाद भगवान का पूजा की जाएगी घर पर। तीन टाइम नहाना होता है, एक टाइम खाना होता है, उसके बाद एक महीने तक आप लोग यहाँ, हाँ एक महीने तक, पूर्णिमा से पूर्णिमा तक होना। क्या रहने के लिए यहाँ, मतलब ये जो है ये तीर्थ पुरोहित जो होते हैं उन्हीं के हम लोग रुकते हैं। वही माघ मेला में श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरे मेला में त्रिस्तरीय सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। बेहद घने कोहरे और दांत कड़कड़ा देने वाली ठंड के बावजूद संगम घाट पर देर रात से ही श्रद्धालुओं की भीड़ मेला क्षेत्र में देखी जा रही है। संगम घाट पर श्रद्धालुओं की सुविधा व सुरक्षा के मद्देनजर डीप लाइन बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है, जिससे स्नान के दौरान कोई भी श्रद्धालु गहरे जल में न जा सके। दर्जन भर से अधिक प्रमुख घाटों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आज दूसरे प्रमुख स्नान पौष पूर्णिमा पर्व को देखते हुए प्रशासन ने संगम क्षेत्र में ATS, NDRF, SDRF सहित जल पुलिस, महिला पुलिस, पुरुष पुलिस सहित कई टीमें लगाई गई है। प्रयागराज के चुनिंदा रेलवे स्टेशनों एवं बस अड्डों पर भीड़ प्रबंधन हेतु होल्डिंग एरिया विकसित किया है। इस कार्य हेतु उचित स्पॉट्स चिन्हित कर लोगों को अस्थायी रूप से वहां रोकने की व्यवस्था होगी। प्रयागराज जंक्शन पर चारों होल्डिंग एरिया बने हैं। मेला क्षेत्र में भीड़ अधिक बढ़ने पर इनको एक्टिव किया जाएगा। प्रयागराज शहर में बनाए जा रहे 14 होल्डिंग एरिया की जिम्मेदारी अपर जिलाधिकारी नगर को दी गई है। प्रयागराज के माघ मेला क्षेत्र व मार्ग की सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया गया है। जी, पौष पूर्णिमा का पर्व है और आज से माघ मास प्रारंभ हुआ है। कल्पवासी विगत दो दिन से लगातार माघ मेले क्षेत्र में आ रहे थे और अपने कैंप और शिविरों में व्यवस्थापित हो रहे थे। प्रातःकाल से कल्पवासी और अन्य स्नानार्थी संगम तट पर और विभिन्न स्नान घाटों पर प्रातःकाल से आप देख रहे हैं कि शीतलहर और घना कोहरा होने के बावजूद आकर लगातार स्नान कर रहे हैं। एक व्यापक सुरक्षा योजना के तहत सारी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की गई हैं। माघ मेले क्षेत्र में सुगम आवागमन देने के उद्देश्य से, चाहे वो अयोध्या से साधु संत आ रहे हों या अन्य तीर्थयात्री यहाँ पर आ रहे हों संगम राज में, तो उसको सुगम आवागमन देने के लिए हम लोगों ने माघ मेले क्षेत्र में पार्किंग की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं, जिससे श्रद्धालुओं को कम से कम पैदल चलना पड़े। जल में सुरक्षित स्नान देने के लिए डीप वाटर बैरिकेटिंग, जाल का व्यवस्थापन संगम घाट पर और सभी अन्य स्नान घाटों पर सुनिश्चित किया गया है। उसके साथ साथ जाल और डीप वाटर बैरिकेटिंग के साथ साथ फ्लड कंपनीज के जवान जो कुशल तैराक होते हैं उनका व्यवस्थापन किया गया है। जल पुलिस के लोग लगाए गए हैं, प्रशिक्षित गोताखोरों की नियुक्ति की गई है। साथ ही साथ जल में एक पुलिस फ्लोटिंग पुलिस चौकी की भी स्थापना की गई है, जिसमें राजपत्रित स्तर के अधिकारी लगातार मौजूद होकर नजर रख रहे हैं। SDRF और NDRF की टीम भी रेस्क्यू पर्पज से जल में मौजूद है। इस माघ मेले क्षेत्र में CCTV कैमरों के माध्यम से भी लगातार हम लोग नज़र रख रहे हैं और आवश्यकता अनुसार ड्रोन का प्रयोग भी कर रहे हैं। सर, अब तक लगभग कितने श्रद्धालु? एक मोटे अनुमान के तौर पर 2 लाख से अधिक श्रद्धालु संगम घाट पर और अन्य स्नान घाटों पर आकर स्नान कर चुके हैं। ठीक, थैंक यू।